नहीं सर, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही इस गांव की सेवा में सदैव खड़ा रहता है। सरपंच पद तो अब मिला है हमारे को, हम सदैव, हमारी खानदानी यही है कि हम जनता की सेवा में सदैव खड़े रहते, तो मेरे को कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इस काम में ये मेरे ऊपर वजन पड़ा है। मेरे सरपंच पद तो अब मिला है, हम 10-15 साल से लोगों की, जनता की सेवा में खड़े हैं सर। कि घूंघट निकाल के काम नहीं हुआ, वो अब नहीं रहे सर कि हम घूंघट निकाल के बैठे रहे। घूंघट शर्म की जगह शर्म भी है और काम की प्रगति पे काम भी। हमने मॉडल तालाब सेंक्शन करवाया, जिसके कारण मॉडल तालाब को हम बहुत बढ़िया सुंदर बनाएंगे। ये चीज तो मैं आपको बनाने के बाद ही बता सकता हूँ कि अगर मैं पहले बताऊँ तो मैं झूठा साबित होऊंगा कि चलो ये अपने ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं काम में विश्वास करता हूँ, काम करने के बाद ग्राउंड पे बताता हूँ। साहब मेन समस्या ये थी कि हमारे गाँव के पास में 40 वर्षों से अतिक्रमण था, झाड़ियाँ लगी हुई थी, लोग शराब पीते थे और चोर चुकन्ने बैठे रहते थे, महिलाएं असुरक्षित थी, नाना प्रकार की घटनाएं होती थी। हमने तुरंत एक्शन लिया, प्रस्ताव लेकर के तुरंत 40 साल के अतिक्रमण को हमने फेंक दिया। साहब आपने बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि यहाँ पे 4 औद्योगिक इकाइयाँ बनी हुई है, औद्योगिक इकाइयाँ बनी हुई है, लेकिन ये सबको पता है कि औद्योगिक इकाइयों के बाद में जनता खुश होती है कि भाई औद्योगिक इकाई है, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा ऐसा हो रहा है कि जो आदमी 20-20 सालों से 25-25 सालों से नौकरी कर रहा है, ठेकेदारी प्रथा के घुसेड़ के रख देते हैं और उसको आज तक उनको उनका हक नहीं मिलता, उनके बच्चों की जिंदगी खराब होगी, उन माता पिता को जो खुशियाँ मिलनी थी खुशियाँ चौपट होगी। अपने आप से खुद के बचाव के लिए ये कारखाने लोगों को नियमित नहीं कर रहे, नियमित करना तो दूर की बात है, जो 5-15 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं उनमें से भी उनको रोजाना हटाते रहे, जैसे श्री सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है। दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो जेतन का सबसे बड़ा जेतन न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज मैं जेतन पंचायत समिति की एक बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ मौजूद है इस बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की एक शिक्षित महिला सरपंच श्रीमती दशरथ कंवर जी, जो पिछले 8 माह पहले इस बांजाकुड़ी जैसे ग्राम में आप सरपंच के पद पर विजय रहे हैं। और इस बांजाकुड़ी ग्राम में आपके 8 माह या 9 माह के कार्यकाल में कैसा क्या रहा, जनता से जो वादे किया क्या वो वादे पर खरे उतरे नहीं उतरे, तो ऐसी तमाम बातों को लेकर आज जो हम इस बांजाकुड़ी ग्राम में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है श्रीमती दशरथ जी कंवर, जिनका स्वागत है। नमस्कार खान साहब का, नमस्कार बांजाकुड़ी में। सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा आप सरपंच बन चुके हो, पिछले 8 माह में आपने क्या अनुभव किया इसे सरपंच पद पर बनने के बाद, चूंकि आप गृहिणी भी और एक शिक्षित महिला भी हो। हाँ सर, हमने बांजाकुड़ी में, बांजाकुड़ी के ग्राम वासियों का सभी, या कनावास ही नहीं चेतन तहसील, सभी चेतन तहसील के सभी लोगों का प्यार मिला और इन सहयोग से हमारी जीत हुई है। जीत होने के बाद 8 महीने हो गए, 8 महीने में हमें कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना के चलते हम गांव में 3-4 बार सैनिटाइजर भी करवाया, इसके बाद सैनिटाइजर भी कराया, ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी दी, और कई लोग बाहर फंसे हुए थे उनको लाने में प्रॉब्लम, तो हमने प्रशासन के हिसाब से हमने मदद करके बाहर लोगों को यहां गांव में भी बुलवाया, और हमने स्कूल के सभी विद्यालयों में पौधे लगवाए, और हमारे काम प्रगति के पद पर चल रहा है, और हमने सभी के सहयोग से काम हो रहा है। और सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल आप महिला हो और अधिकतर जगह हम देखने में मिलता है कि पतिदेव की इंटरफेस ज़्यादा होती है सरपंचई में, ठाकुर साहब तो इंटरफेयर नहीं करते आपके कार्यों में? नहीं सर, ठाकुर साहब आप अपना काम करते हैं और पंचायत का काम मैं खुद संभालती हूँ, और गांव से किसी भी सभी लोग पधारते हैं और उनको मैं समय देके सबका काम करती हूँ, और ठाकुर साहब का सहयोग तो किसी में हो सके तो वहाँ लेते हैं, नहीं तो आप अपने काम पर रहते बिजी और मैं पंचायत का काम मैं खुद संभालती हूँ। सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आप पहली बार सरपंच बने हो, आपको यूँ अजीब नहीं लग रहा कि एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पे आ गई है, घर का भी काम आप देखते हो और ग्राम का भी काम देखते हो, ऐसे में आपको अजीब सा नहीं लगता है?
नहीं सर, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही इस गांव की सेवा में सदैव खड़ा रहता है। सरपंच पद तो अब मिला है हमारे को, हम सदैव, हमारे खानदानी यही है कि हम जनता की सेवा में सदैव खड़े रहते, तो मेरे को कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इस काम में ये मेरे ऊपर वजन पड़ा है, ऐसा नहीं। क्योंकि हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि हमारे गाँव में सेवा में लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो मुझे ऐसा कोई वजन नहीं लगा। सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैंने 10th तक पढ़ाई की है, और मैं वैसे पढ़ाई की वजह से नहीं, मुझे क्योंकि मेरे को ऐसा संस्कार दिया है कि शुरू से बचपन से मेरे को ये संस्कार मिला है कि मैं गांव में लोगों की सेवा में ही भावना रखती हूँ कि लोगों की सेवा करें, मेरे को और किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे यही है कि मैं गांव के बस सेवा में लगी रहूँ, चाहे छोटे से लोग चाहे बुढ़े तक लोगों का, मुझे यही भावना है कि मैं जनता की सेवा करूँ, और मुझे सदैव ऐसा ही मौका मिले कि मैं जनता की सेवा करती रहूँ। यानी कि आपके पीर से भी आपको अच्छे संस्कार मिले जैसा आप बता रहे हो, और साहित्य इसे जो बांजाकुड़ी रावले आए जो सेवा में समर्पित, यहाँ पर भी वही संस्कार मिले? हाँ, सेम संस्कार मिले सर, बचपन से यही संस्कार है, और इस घर में आने के बाद भी मुझे यही संस्कार मिले कि बस लोगों की सेवा करनी अपने को, और हम यही सभी को यही शिक्षा देते हैं कि आप सभी बुढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करें, और जैसे किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो लोगों की, तो उसकी समस्या का हल करना, ये ठाकुर साहब शुरू से ये जनता की सेवा, मेरे सरपंच पद तो अब मिला है, हम 10-15 साल से लोगों की जनता की सेवा में खड़े हैं सर। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल एक सामाजिक रीति रिवाज है, चूंकि आप राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, और पहले कुछ जमाने में पहले पर्दा पड़ता थी, लेकिन अब वो दौर है, चूंकि आप भी पढ़े लिखे इस बात को जानते हो, आपको अजीब नहीं लगता? चूंकि घूंघट तो निकाल नहीं होता, एक सामाजिक परिवेश है, तो आपको अजीब लगता होगा ना? नहीं सर, हम वो शर्म हमारी हमारे पास है, और काम की जगह काम है, हम समाज में वो हम हमेशा वो है वैसे ही रहेंगे कि घूंघट निकालना घूंघट की जगह घूंघट ही है, काम की जगह काम ही करना सर, और हम ये नहीं चाहते कि घूंघट निकाल के काम नहीं हो, वो अब नहीं रहे सर कि हम घूंघट निकाल के बैठे रहे, घूंघट शर्म की जगह शर्म भी है और काम की प्रगति भी काम पे। सरपंच साहिबा, एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, कई बार हम देखते हैं बालक तो पढ़ जाते हैं लेकिन बालिकाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती, तो आप बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? बहुत सारी गाँव में भी बालिकाएं हैं जो आगे नहीं पढ़ पाती है। क्योंकि सर लोगों की सोच में अभी फर्क है कि बालिकाओं को पढ़ाई नहीं कराते लोग, क्यों नहीं कराते? अगर महिला को पढ़ाई नहीं होगी तो वो हमेशा पीछे, पहले थे वैसे पीछे रहते जाएंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही गांव में चर्चा करती रहती हूँ कि हमारी बालिकाओं को आप पढ़ाए, और 15 अगस्त 26 जनवरी पर ठाकुर साहब पधारते हैं, तो इसलिए पढ़ाई के बारे में ही बात करते कि आप बच्चियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, ये हमारा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बांजाकुड़ी के अंदर या बांजाकुड़ी के जैतरण तहसील के अंदर भी हमारी यही भावना है कि आप बच्चों को आगे बढ़ाए और महिला आगे बढ़े। तो लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद फिर जैतर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद है बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधित्व के रूप में कहूंगा, या इस बांजाकुड़ी ग्राम के ठाकुर साहब कहूंगा, श्री हिम्मत सिंह जी ठाकुर साहब है, जो सरपंच पति भी है और प्रतिनिधित्व भी है, लंबे समय से समाज सेवी है, ग्राम में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ की वजह से आप सरपंच, आपके घर से सरपंच बने। सर का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सम्मान्य खान साहब, आपका बांजाकुड़ी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, 8 माह पहले मैं इसी ग्राम में आया था, उस समय चुनाव प्रचार था आपका, आपकी दावेदारी थी, आपने जनता से बहुत वादे किए, जनता ने आपको समर्थन दिया और आप चुनाव में विजय रहे। पिछले 8 माह में इसे बांजाकुड़ी ग्राम के लिए आपने क्या क्या काम किया जिसे जनता जानना चाहती है, ये लोग जानना चाहते हैं, क्या आप जनता की जन भावनाओं पर खरे उतरे नहीं उतरे? हालांकि 8 माह का कार्यकाल कोई ज़्यादा कार्यकाल नहीं है, अभी तक कार्यकाल आपका बहुत लंबा है। खान साहब, आपका निवेदन करना बिल्कुल वाजिब है, जिस समय चुनाव चल रहा था आप पधारे थे, और मैंने आपको इसी चैनल पर मैंने कई वादे किए थे, वो वादे मैं पूरे करने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ, और मैंने जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव होते ही कोरोना आ गया,
कोरोना आने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों का जीवन बचाना जरूरी हो गया, जीवन बचाना, देश को बचाना, ये जिम्मेदारी आ गई। तो हमने आनंद फानंद में पैम्पलेट छपा करके, अलाउंस करवा करके और ये सैनिटाइजर करवा करके और लोगों को जागरूक करके सब लोगों को कोरोना से बचाने का पूरा प्रयास किया। हमने सैनिटाइज करवाया, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री दो दो तीन तीन बार वितरण करवाई, गरीब लोगों का चयन किया भी कौन कौन आदमी है, दुखी है, खाना पीना नहीं है, रहना रोजगार बंद है वगैरह, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने ये कार्य किया। उसके बाद जैसे ही कोरोना में अभी भी चल रहा है वैसे, और हमने पूरा ध्यान रखा, हमारा कोरोना का परसेंट जीरो रहा। सिर्फ दो आदमी कोरोना से पॉजिटिव आए थे, वो भी मेरे यहाँ से नहीं आए, जेतारण से या नज़दीक कहीं से पॉजिटिव हो गए थे, वो भी ठीक हो गए। इस समय हम कोरोना से बिल्कुल मतलब मुक्त हैं, हमारे कोई परेशान नहीं है। दूसरी बात यह है कि 8 माह के कार्यकाल में जो समय हमें मिला, जो आशीर्वाद जनता ने हमें दिया, सबसे पहले तो मैं उन सभी जनता का, मेरे ग्राम पंचायत की जनता का, कानावास की जनता का, और जो भी मेरे मिलनसार स्नेही प्रेमी शुभ चिंतक जितने भी 30 तहसील के, विधानसभा के, जिला परिषद के, जिले के जो भी हैं और बाहर भी विराजे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं कहीं कोने पे मेरे समझौते विराजे हैं, उन्होंने सब ने मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, भाव दिया, उसके कारण हम जीते। तो मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की। गांव के सबसे पहले स्वच्छता का विषय आया तो हमने गांव के अंदर साफ सफाई की। जो नालियां कभी सूखती नहीं थी, आज वो नालियां बिल्कुल खाली पड़ी है, सूखी पड़ी है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, बीमारियाँ कम हो गई है। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत के अंदर नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती थी कि कोई सरपंच काम करना चाहता तो असामाजिक तत्व आकर के खड़े हो जाते और परेशानी पैदा करते। तुरंत आनंद फंड में हमने कैमरा लगवाए, सरपंच साहब ने बोला कैमरा लगाओ, हमने तुरंत कैमरा लगाए। कैमरा लगाने के बाद में कि भाई ऐसा कोई बदमाशी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कैमरे लगवा दिए। बामा साहब की सहायता से विद्यालय में कैमरे लगवा दिए, कानावास विद्यालय में बामा साहब की सहायता से कैमरा लगे, उन बामा साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमने कैमरे लगाने के बाद जो विद्यालय हैं, स्थानीय विद्यालय, किराड़ी बेरा विद्यालय, कानावास विद्यालय, अन्य जो भी विद्यालय हैं, उनमें सबने हमने 200-250 पेड़ पौधे लगवाए, जो आज करीबन 10-20 पौधे गए थे वो भी हमने दोबारा लगवा दिए, अच्छे से पौधे लगवा दिए। पौधे लगाने के बाद में जैसे गांव के अंदर जो बारिश का समय आने वाला था, कई जगह रास्ते ऐसे पड़े थे जिनके अंदर लोग, किसान ट्रैक्टर वगैरह भी अपनी खेती जोतने के लिए नहीं जा सकता था। हमने तुरंत वहां पर कालू वाला रास्ता है, पिपलिया वाला रोड है, बिरोड़ वाला रास्ता है, गाँव के अंदर खड्डे खोजे, उनको सबको मिट्टी डलवा करके उनको करवाया। उसके बाद जैसे कि ये गांव के अंदर हमने कार्य सेंक्शन कराए, शमशान कार्य, विकास कार्य सेंक्शन करवाए, जो भी वर्तमान में चल रहा है, हॉल बन रहा है, कैटल सेट बन रहे हैं, टिन सेट बन रहे हैं। हमने मॉडल तालाब सेंक्शन करवाया, जिसके कारण मॉडल तालाब को हम बहुत बढ़िया सुंदर बनाएंगे। ये चीज़ तो मैं आपको बनाने के बाद ही बता सकता हूँ कि अगर मैं पहले बताऊँ तो मैं झूठा साबित होऊंगा कि चलो ये अपने ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं काम में विश्वास करता हूँ, काम करने के बाद ग्राउंड पर बताता हूँ कैसे। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ऐसी एक महिला है, यहाँ पे हमारे डावराम सरगराज जी की मैसेज है, उनके 60 सालों से उन्होंने कभी मतलब ये कंडीशन थी कि पशु भी जीवन आराम से जीता है, लेकिन हमने तुरंत एक्शन लिया, एक्शन लेकर के उसको मकान को हटा करके अभी वो मकान निर्माणाधीन है, बोल दी तैयार हो जाएगा, उसको सुख सुविधा मिलेगी। शमशान विकास कार्य करवाया, स्कूल के अंदर पीछे सामने बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे, हमने मिट्टी भरवा के जो NH नेशनल हाईवे के ऊपर ही है उसको सारे को भरवा के समतलीकरण कराया, वहाँ पर बाउंड्री का काम शुरू करवा रहे हैं। इधर हमारे टिन, ये किराणी स्कूल है, इसके अंदर बहुत शानदार हम टिन सेट बना रहे हैं, जो हमारे विधायक महोदय या अन्य जहाँ से मद मिला है, हमारे को पैसा मिला, उस पैसे का हम सदुपयोग करके वहाँ एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं। इसके बाद ये सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं को नए राशन कार्ड बनाना, जॉब कार्ड बनवाना वगैरह वगैरह, ये सारे हम बना करके उन गरीब लोगों को हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। और नरेगा के अंदर चुनाव जीतते ही हमने कम से कम एक हफ्ते का 700-800 लोगों को हमने रोजगार दिया। सरपंच साहब, मैं सरपंच पति जी में रोकना चाहूँगा, दरअसल आपने जब पदभार ग्रहण किया, इस गांव में प्रमुख समस्या क्या थी जिसका आप समाधान चाहते थे, जिसका आपने समाधान किया जैसे आपने बताया, लेकिन अभी भी कई समस्या ऐसी है जो मुंह ताने खड़ी है, जिनका आप समाधान चाहते हो? साहब, मेन समस्या यह थी कि हमारे गांव के पास में 40 वर्षों से अतिक्रमण था, झाड़ियां लगी हुई थी, लोग शराब पीते थे और चोर चुकंडे बैठे रहते थे, महिलाएं असुरक्षित थी, नाना प्रकार की घटनाएं होती थी। हमने तुरंत एक्शन लिया, प्रस्ताव लेकर के तुरंत 40 साल के अतिक्रमण को हमने फेंक दिया। इसमें उन सभी लोगों की भागीदारी रही, सहयोग रहा, जिन्होंने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, और कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने
मतलब जो है हमारे इसको बोला कि मैं भी हटाने को तैयार हूँ, मैं भी हटाने को तैयार है, ऐसा करके हमने अतिक्रमण हटवा दिया। अब रही बात है गांव के अंदर, मैंने पहले पूर्व में मैंने इंटरव्यू में बोला था कि हमारे पाइपलाइन की प्रॉब्लम है, तो हमने पाइपलाइन के लिए भी एस्टिमेट बनवाने के लिए निवेदन कर दिया है। आगे भी उच्च अधिकारियों से बात की है कि हमारे पाइपलाइन की बिजली की समस्या चल रही है, तो हमने भी लेटर निकाल के सबको दिए हैं। सर मैं रोकना चाहूंगा, जोई बांध का पानी आपको मिल रहा है इसे बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत में? जब हम हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था उस समय नहीं मिल रहा था। हमने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके बांजाकुड़ी और कानावास दोनों को जोई बांध के पानी से जोड़ दिया है। 3-4 घंटा पानी आता है, जो भी रूटीन के अनुसार उनका प्रोसीजर के अनुसार मिलता है, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और इस पानी को उस पानी के साथ मिला करके हम गाँव में वितरण कर रहे हैं। सर एक आपके ग्राम की बहुत बड़ी खूबी है, इस ग्राम में कोई बेरोजगार नहीं है, लेकिन आपके मन में है कि जो शिक्षित युवा है, बहुत सारे शिक्षित युवा है जो पेशेवर काम है वो मजदूरी वाला काम कर नहीं सकते, आप चाहते हो कि उन युवाओं को जो इस जेतान इलाके में 4 नामचीन देश की औद्योगिक इकाई है, सीमेंट इकाई है, आप चाहते हो कि उनको भी वहाँ रोजगार मिले? साहब आपने बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि यहाँ पे 4 औद्योगिक इकाइयाँ बनी हुई है, औद्योगिक इकाइयाँ बनी हुई है, लेकिन ये सबको पता है कि औद्योगिक इकाइयों के बाद में जनता खुश होती है कि भाई औद्योगिक इकाई है, हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा ऐसा हो रहा है कि जो आदमी 20-20 सालों से 25-25 सालों से नौकरी कर रहा है, ठेकेदारी पड़ता कर घुसेड़ के रख देते हैं, और उसको आज तक उनको उनका हक नहीं मिलता, उनके बच्चों की जिंदगी खराब होगी, उन माता पिता को जो खुशियाँ मिलनी थी खुशियाँ चौपट हो गई। अपने आपसी खुद के बचाव के लिए ये कारखाने लोगों को नियमित नहीं कर रहे हैं। नियमित करना तो दूर की बात है, जो 5-15 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं उनमें से भी उनको रोजाना हटाते रहे, जैसे श्री सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट ने तो ये हालत कर रखी है लोगों की कि मतलब जो गरीब आदमी है उनको ठेकेदारी इधर उधर बजा करके अपने पक्ष का ठेकेदार लगा करके उनको आउट कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके लिए मैं खुद अंबुजा सीमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करता था, इतने सालों से कर रहा हूँ, और अभी भी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि लोगों को बहुत असुरक्षित है, उनको जमीनें चली गई। अब इन्हें ये सोचो आपकी पोल्यूशन की वजह से आसपास के एरिया के अंदर फसल पैदा नहीं होती, और ये आप देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला से पास में लगे हुए गाँव है और कारखाना लगा हुआ है, ये ड्राई जोन है, ड्राई जोन के अंदर 25-25, 50-50 तो ट्यूबवेल खोद रखी है, असावधानी, जबकि वहां पर परमिशन ही नहीं है। सरकार पता नहीं प्रशासन ने कैसे उनको परमिशन दे दिए। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बहुत जल्द हम इसके अंदर एक्शन लेने वाले हैं। जो गरीब रोजगार है जिनको बाहर निकाला है, अगर ये समय पर उनको वापस नहीं लेते हैं नहीं। तो, सर आप चूंकि एक सीमेंट इकाई से जुड़े हुए, कई लोगों के जो गेट पास होते हैं, हम रोजगार की बात करें कि हम नए युवाओं को रोजगार दे ले, अलबत्ता देखा जा रहा है कि जो काम करने वाले मजदूर हैं नियमित, उनके गेट पास भी बंद कर रखे, कई औद्योगिक इकाइयां हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ आंदोलन करोगे या उनकी पीड़ा है? बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लाले पड़े, उनके गेट बंद हैं। साहब ये स्थिति है कि जो आदमी नौकरी लग जाता है, एन के एन प्रकार में मजदूरी करता है, काम करता है, 8 घंटा पूरा काम करके देता है, काम करने के बाद उनका गेट पास नहीं बनाते हैं, गेट पास बनाते हैं तो उस ठेकेदारी प्रथा के अंदर उसका गेट पास बनाते हैं, और हटाने के लिए ठेकेदार को ये बोलते हैं कारखाने वाले कि आप इनको बंद कर दो। ठेकेदार मजबूरन अपनी 5 पैसे कमाई के लिए उनको बंद कर देता है और गेट बंद कर देता है। आजकल एक नया सिस्टम बायोमेट्रिक लगा रखा है, वो फिंगरप्रिंट वाला, तो पहले तो चलो कोई गेट पास बंद हो गया या चालू होता तो बताता, आजकल तो अंदर ऑफिस के अंदर से वो पंचिंग बंद कर दे। पंचिंग बंद करने के बाद वो आदमी जाएगा कहाँ? वो ढूंढता रहता है, अच्छा यूनियनें बनी हुई है, जो यूनियनें यहाँ बनी हुई है वो रक्षक होनी चाहिए, भक्षक बनी हुई है, हालत खराब कर रखी है। मतलब एक अमेंडमेंट पिछली गवर्नमेंट ने तय किया था कि जो श्रमिक है जिनको अपना हक नहीं मिला वो जाकर के लेबर कोर्ट में या कहीं पे अपना वो हक मांग सके, या नियमित के लिए या एरियर वगैरह मांग सके, तो ये अगर वहाँ जाते हैं केस करने के लिए सबसे पहले उनको पट्टा चाहिए, अधिकार पत्र चाहिए कि यूनियन का। अब जो आदमी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है 10-10 सालों से, यूनियनों के बिल्कुल सामने तले नीचे काम कर रहा है, और वो बोलते हैं कि ये तो मेरा कर्मचारी नहीं है, ऐसा करके अधिकार पत्र नहीं देंगे। फिर उसके बाद में 2012 के बाद में सरकार ने अमेंडमेंट कर रखा है कि 2012 के बाद जितने भी ये लोग लगे हैं श्रमिक, उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। अब मैं बताऊं कि 20 साल जिंदगी खपा दी, नौकरी पूरी कर ली,
शाम सुबह मजदूर घर जाता है, बोलता है कि मैं परमानेंट होऊंगा, अपरमानेंट होऊंगा। जब समझौते होते हैं और इनके मांग पत्र रखा जाता है तो गुलमुल कमरे के अंदर बैठ करके, होटलों में बैठ करके वो समझौते तय कर लेते हैं, सिग्नेचर करवा देते हैं, जिनको टुकड़ा डालना है टुकड़ा डाल देते हैं, खा लेते पीलते हैं और गरीब भूखे मरते हैं। सर बात दरअसल ये औद्योगिक इकाइयों की अलग है, बात ग्रामीण विकास की करेंगे, अपन ग्राम पंचायत में है, इस आपके ग्राम में है, राज्य सरकार द्वारा क्या योजना चल रही है, क्या बजट आ रहा है, अनुदान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सही तो हो सकता है विकास कार्य भी बाधित हो सकता है, तो ऐसे में पंचायतों को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है जिससे ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से आगे आए। अभी इसमें क्या साहब, ये देशव्यापी संकट है, देशव्यापी संकट के अंदर जब देश भी संकट में है तो हम पंचायतों के बारे में राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फिर भी नरेगा के अंदर अथाह काम मिल रहे हैं और सेंक्शनें भी मिल रही है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है नरेगा कार्यों के अंदर, मतलब प्रशासन भी लगा हुआ है कि कैसे भी करके अगर फाइनेंशियल बजट नहीं आ रहा है या कम आ रहा है तो उस स्थिति में भी जहां से काम हो सकता है पूरी मदद कर रहे हैं। यहां के स्थानीय में SDM साहब से लगा करके, BDO साहब से लगा के, जिलाधीश महोदय बता रहे थे ग्राम पंचायत, मैंने निवेदन किया, सरपंच साहब ने निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी ये कार्य जो आज देख रहे हैं हम, ये श्रीमान जिलाधीश महोदय की और प्रशासन की और यहाँ के सम्मानी और यहाँ के राजनीतिक दल है, जितने भी राजनेता हैं मेरे ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर सभी राजनेताओं का आशीर्वाद है और उनको सबको यही निवेदन किया है कि हमारा 5 साल का कार्यकाल है और ये जनता का काम है और वो आप इनके ऊपर पूरा मदद कराओ, हमारे पूरी मदद हो रही है। केंद्र वित्त आयोग से कुछ राशि हमें मिली भी थी जिसको हम जो जरूरत है आवश्यक कार्य के लिए खर्च करें। अब रही बात है कि पैसों की कमी है तो जैसे जैसे सरकारें बैठी नहीं है, काम कर रही है कि भाई आज नहीं तो कल, अभी चुनाव भी आ गए थे, आगे चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत समिति के भी आने वाले, जिला परिषद के भी आने वाले, तो क्या है कि अभी कड़ी पूरी हुई नहीं है तो सरकार लगी हुई है, फिर भी हम यहाँ पर भी जितना हमारे से और जन सहयोग से और जितना काम हम करवा सकते हैं आपस में, या किसी NGO से लेकर के, किसी और भी किसी कंपनी से बात करके, या किसी भामाशाहों से जिनको ईश्वर ने पैसा धन लक्ष्मी दी है उनसे सबसे बात करके, हम गांव के विकास को चाहे किसी के पास जाना पड़े, सम्मान्य दिया कुमारी जी से भी हमने निवेदन किया कि ये हमारा काम है, ये करवाओ। अभी दिया कुमारी जी पधारते तो हमने सबने वहाँ जा करके उनको निवेदन किया कि ये 458 हाईवे है जो पाली तक जाता है, तो इनमें क्या है कि किसानों के मुआवजे के लिए एक तय किया था कि भाई इनको मुआवजा देना है, और जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके 1 महीना 6 दिन बाद में रेटों को बढ़ा दिया, रेटों को इतना बढ़ाया कि 1 बीघे पे 12.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। अरे साहब, आपको अमेंडमेंट चेंज ही करना था, ये भी चेंज करना था, बढ़ाना था तो चंद दिनों पहले बढ़ाते तो कम से कम इन लोगों को रोजगार तो मिलता, पैसा तो मिलता, उनकी जमीन गई, कलेजा गया, सब कुछ गया, इंसान का, गरीब किसान का क्या गया। अब ये रही ये हाईवे रोड रहा, नेशनल हाईवे, अब आप देखो कि ये हाईवे बनने के बाद इन नालों ने कभी सफाई नहीं की। अब हमारे सरपंच कार्यकाल शुरू होने के बाद हमने और सरपंच साहब ने मिलकर के इनके अधिकारियों से बात की, तुरंत वहाँ पे सफाई हुई, और दूसरा भी बचा है उनके लिए भी हमने ऑनलाइन कंप्लेन भी की है और अधिकारियों से संपर्क में कि इनको तुरंत साफ सफाई करो, मिट्टी हटाओ, झाड़ू निकालो, झाड़ी कटिंग करो, एक्सीडेंट नहीं हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम करें, और नहीं करेंगे, अगर हाईवे वाले भी नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, SDM साहब के पास धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो धरना देंगे, लेकिन हमारा एक ही दायित्व है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमारी मानवता ये कहती है कि हम पहले उनको जाके वर्बली बोलें, फिर हम लिखित में बोलें, लिखित में देने के बाद भी और सारी ये समय पार करने के बाद, सारी स्टेप पार करने के बाद भी अगर ये कोई हमारा काम नहीं करेंगे, संवैधानिक नियमानुसार काम करना है, हमको इनसे घर से नहीं दे रहे और हम घर पर नहीं ला रहे, ये नहीं करेंगे तो हम ग्राम पंचायत वाले मिलकर के, चाहे बिजली की व्यवस्था सुविधा नहीं हो तो हम बिल बहिष्कार करेंगे, पानी का नहीं होगा तो हम पानी का बहिष्कार करेंगे, और जिसके अंदर गांव के अंदर अगर कोई काम हमारा नहीं हो रहा तो जरूरत पड़ी तो ग्राम पंचायत के ताला लगा करके चाबी प्रशासन को सौंप देंगे, लेकिन गांव के गरीब के किसान के मजदूर के पीड़ित के शोषित के कभी समस्या पैदा नहीं होने देंगे। हिमा सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा, दरअसल समय का भी मेरे पास भी अभाव है और आपको भी ये जनता के जो आए है इनकी समस्या सुननी है, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो जनता दरबार है, जनता दरबार तो क्या कहूंगा, जनता दरबार तो जहां लगते हैं वहां लगते हैं, लेकिन लोगों को रेल पहले ऐसे लगी रहती तो आपको परेशानी नहीं होती, शॉर्ट में बताना। जब तक सुबह 7 बजे के बाद जैसे भी सूर्योदय होता है उसके बाद में जब तक जनता मेरे पास में नहीं पहुंचती है या मैं जनता के पास नहीं पहुंचता हूं, जनता बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना जनता अधूरी है,
ये दरबार नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठ करके मेरा जीवन यापन को 40-42 साल की उम्र हो गई, 10-20 साल 10-15 साल भगवान ने दिया तो और जीना है। अगर मैं इनके लिए कुछ करके जीऊंगा तो आगे जाकर के परमात्मा भी मेरी जो रक्षा करेगा और मेरे परिवार की रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है खान साहब, मेरा परिवार आज मेरे 3-3, 4-4 पीढ़ी होगी, ये सभी गाँव वाले बिराजे हैं। मेरा परिवार सदैव गरीबों के लिए और वंचित आदमियों के लिए और जो आवश्यक जो लोग हैं उनके लिए हमेशा हमेशा काम करता है। और ये जरूरी नहीं है कि हम सरपंच है 5 साल के लिए, मैं तो 15 साल से पहले ही काम कर रहा हूँ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरी तहसील जानती है, पूरी विधानसभा जानती है, यहाँ के सारे नेता जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं सरपंच कार्यकाल में मेरा परिवार रहेगा, राजनीति करेगा, राजनीति करने के बाद भी अगर हम राजनीति में नहीं रहे तो भी ये क्रम तो मेरा जब तक मेरे प्राणों में सांस है तब तक ऐसे चलेगा। तो ये थे बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, कहूँगा जैसे कि मेरी पहले इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहिब से भी बात हुई और बताना चाहूँगा बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, शायद मेरी वजह से कहीं इनका काम बाधित नहीं हो इसके लिए हम अब इजाजत चाहते हैं। मेरे पास भाई पूरन गुजर भी बैठे जो युवा समाज से है, इसे बताना चाहूँगा पूरन जी गुजर है, बड़ी संख्या में लोग बैठे, इनका ये क्रम है। तो बहरहाल लेते हैं आप इजाजत और आने वाले दिनों में ऐसी एक आदर्श ग्राम पंचायत है जो बांजाकुड़ी जैसी ग्राम पंचायत और है, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि हम जनप्रतिनिधियों के पास जाए और जनता के पास जाए, जनता क्या चाहती है, जनप्रतिनिधि क्या चाहता है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाजत और देखते रहे जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं आईबी खान, जैतारण न्यूज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।